हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग के बारे में, जैसे कि हम पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा सेटिंग पे जाना है और यहाँ पर पोर्ट्रेट का ऑप्शन आ जाएगा। पोर्ट्रेट के ऑप्शन के बाद आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। ये देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्लर हो चुका है। इस तरीके से आप भी बैकग्राउंड ब्लर करके फ़ोटो को क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फैंस, इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ से आपको फिल्टर्स शो हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपको यहाँ पर फिल्टर शो हो जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये लाइट हो गया, ये से लाइट हो गया, ये देखिए यहाँ पर कोई डार्क वाला भी होगा। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है फिल्टर शो हो जाएंगे, तो आप फिल्टर में फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंस, जैसे कि मोर वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो मोर वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपको और भी सेटिंग देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोफोन में क्या होता है फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं ये माइक्रोफोन की तरह होता है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं माइक्रोफोन छोटी से छोटी चीज़ देखने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि हम इस पर रख कर फोटो को क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे बहुत ही क्लियर फोटो आएगी माइक्रोफोन में। ये देखिए हम चेक कर सकते हैं, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल फोटो में खींचेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।